सुलाया हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी दर्द ना देना खुदा की इस तस्वीर को, प्यार से लोग कहते हैं माँ बाप जिनको। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजनी स्वागत करता हूँ आपका मॉक टेस्ट पार्ट में। बाबू आई होप आपने चार तक लगा लिया होगा, अगर नहीं लगाया तो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि अपना जो स्कोर है वो कितना आ रहा है, इंप्रूव हो रहा है, डिग्री जैसा भी है। आपके आपके पास अगर कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप टेस्ट लगाओगे और उसका स्कोर चेक करोगे। बात करते हैं एक से लेकर बेटा पांच क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। तो सर पहला एक रेखा रखी है, दूसरी रेखा रखी है, वो क्या आपस में लंबवत? बेटा ये जो रेखा है वो किस रूप में है? कार्तीय रूप में है। क्या है सर? कार्तीय रूप में। अगर दो रेखा है कार्तीय रूप में है तो बेटा ये इसके जो द्विगु अनुपात है अगर लंबवत बता रहा है तो बाबू उनका जो मान होगा, यानी ये चलो मैं मान लेता हूँ इसको A1 और इसको मान लेता हूँ A2, इसको मान लेता हूँ A3, इसको मानता हूँ B1, इसको नाम मानता हूँ B2, इसको मानता हूँ B3। अगर कोई भी दो रेखा अगर परस्पर लंबवत है तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस और A3 और B3 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा ये समांतर होता तो क्या होता है सर? A1 का जो अनुपात है वो B1, सर A2 का जो अनुपात है वो किसका अनुपात होता है? B2 का, और A3 का अगर बोलता तो सर B3। ये कब है बेटा? जब रेखाएं समांतर हो, दोनों कंडीशन याद रखना जब लंबवत हो। तो सर जी इसका इसका क्या करेंगे? डॉट करेंगे, वो किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे और जो भी प्रोग्राम होगा उसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सर जी इसको इससे किया तो माइनस का 9k आ गया और इसको इससे किया तो सर जी प्लस का 2k आ गया। बेटा इसको इससे किया तो माइनस का 10 आ गया, बराबर में कितना आ गया बाबू? 0 आ गया। सर जी 9 में से अगर 2 गया तो कितना हुआ? सर जी माइनस का 7 बचा, बराबर में माइनस का 10 बराबर 0। बेटा इसको सॉल्व करो तो सर माइनस का 7k बराबर में कितना गया? 10 हो गया। आपका जो राइट आंसर आएगा सर 10/7, वो भी किसका आएगा? माइनस का है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सदिश का 3 सदिश रखे बेटा और तीनों का जो योग है वो कितना है? 0 है। एक सदिश का मैग्नीट्यूड ये है, बी का ये है, सी का ये है, तो वो बोल रहे हैं कि ए व बी के बीच क्या बताओ, कोण बताओ। बेटा जिसका भी अगर जिसके भी बीच पूछे उनका मान रख लो, बाकी को साइड पे पहुंचा दो। सर ए वेक्टर बी वेक्टर और बराबर में कितना? माइनस का सी वेक्टर। अब वो दोनों तरफ क्या करना है सर जी? स्क्वायर करना है, बिल्कुल ही कर देंगे। बेटा इसके स्क्वायर करो सर जी, पहले का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर और 2a और b, इनका तो मैग्नीट्यूड लगाओ, ये मतलब लगाओ वेक्टर क्योंकि मैग्नीट्यूड है। हां जी बराबर कितना गया? c का स्क्वायर। किसका स्क्वायर था? c का स्क्वायर। सर जी जो a का जो मान है वो कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 गया। b का जो मान बेटा कितना है? 25 हो गया स्क्वायर करते ही, प्लस 2। और बाबू दोनों के बीच क्या पूछा? कोण। अच्छा ab a डॉट ab cos थीटा। क्या बेटा? ab cos थीटा इज इक्वल टू a और b का मान रखा है सर, a का मान 3 दे रखा है, b का मान 5 रखा है, यहां पे आएगा cos थीटा, बिल्कुल सर। भाई c का जो मान है वो कितना आएगा सर? 7 का स्क्वायर किया तो 7 × 7 = 50 आएगा। आई होप आप सभी को ज्यादा समझ में आएगा। बेटा इसको और इसको अगर ऐड करो तो कितना आएगा सर जी? 34 आएगा। यहाँ पे कितना आया? अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर जी? 30 आएगा। तो यहाँ पे लिखो 30 cos थीटा और यहाँ पे 49 और ये वाला उधर जाके किसका जाएगा सर जी? माइनस का जाएगा। लो जी सर माइनस का कर दिया मैंने, ठीक है भाई। सर कितना गया? 30 cos थीटा और भाई इसको सॉल्व कर, 9 में से 4 गया तो सर जी 5, 4 में से 3 गया तो 1। तो बेटा अपना जो राइट आंसर हो कितना आएगा? 1/2, क्यों ये 30 यहाँ पे जाए कटेगा तो 1/2। सर जी थीटा कितना आएगा? थीटा का मान आएगा 2 किस्म होता है सर जी, होता है 60 में। तो आपका जो राइट आंसर है कितना आएगा? 60 आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यानी यूनियन का मान रखा है 700, इसका मान रखा है 200, इसका है 300 और इसका मान रखा है 100। तो आपको इसका मान, बाबू ये जो मान होता है ना, यानी ये क्या है? डी मॉर्गन थ्योरम है। क्या बेटा? डी मॉर्गन थ्योरम है सर जी। वो क्या होती है? मुझे तो बेरा ही नहीं है। तो बेटा वो होता है सर जी यूनियन का पूरे का डेस। बेटा इसको इसको कैसे लिखेंगे सर जी? यूनियन में से इस वाले प्रोग्राम को घटा दें, किसको बेटा? ए येलो। जिसका अगर डेस पूछे ना, जिसका अगर डेस पूछे तो उसको यूनियन से घटाते हैं, पता है पूरा समुचे। सर जी यूनियन का जो मान है
बेटा यूनिट का मांग कितना है? सर जी है हमारे पास 700। बट सर हमारे पास ये नहीं है, बट हमारे पास ये नहीं है ना सर, इसका जो फॉर्मूला था बेटा मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, क्या होता है सर, ए यूनियन बी बराबर में ए समुच्चय प्लस बी समुच्चय और दोनों का इंटरसेक्शन। लो जी सर ए का मान कितना है? ए का मान सर जी 200 है, बी का मान कितना है? 300 है, इसका मान गुरु जी कितना है? 100 है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर कितना आएगा? 400 आएगा ना। अब ये वाला मान यहाँ पे देंगे तो कितना जाएगा आपके पास? राइट आंसर आ जाएगा इसका 300। ये बाबू इसका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आया, 3 तक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये पूछ रहा बेटा अगर b की प्रायिकता हमें पता है, इसका मतलब होता है b की प्रायिकता हमें ज्ञात है, तो a की प्रायिकता क्या होगी? बेटा इसका जो मान है ना, किसका सर जी, a अपॉन में b का जो मान होगा वो क्या होता है सर जी, दोनों का कॉमन है, और डिवाइड में कितना? डिवाइड में जो नीचे होता है ना वो ही आप लिखते हैं। अच्छा जी सर, सर गलती से अगर हमारे पास ये आ जाए तो, गलती से अगर ये आ जाए तो बाबू ऊपर तो सेम ही रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी ए का कॉमन करो बी का करो, बात एक ही है, नीचे ए है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए ही लिख देंगे। सर इसका जो मान है हमें दे रखा है बेटा, कितना रखा है? 0.32। ये लो, और बाबू इसका मान कितना रखा है? 0.5। यहाँ पे करो तो कितना आएगा? 10। यहाँ पे इसको डालो तो कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। 10 से 10 बेटा, और ऊपर हो गया 32, नीचे हो गया 50, ऊपर हो गया 32, नीचे हो गया 50, बेटा कट गया ये सर 16/25। ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये प्रोग्राम बेटा समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको मिलेगा डी की पावर 4 वाई डी की पावर डी एस की पावर 4 की पावर 2 माइनस साइन इसका। और अच्छा इसकी क्या बतानी बेटा? घात बतानी है। क्या बतानी? अवकल समीकरण इसकी घात आनी है। बाबू जब कभी भी आपके पास अवकलन e की पावर में जाए, a की पावर में आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में आ जाए, अगर उनके रूप में उनके एंगल के रूप में आ जाए तो वहां पे लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर बोल दोगे आप नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड, यानी वहां पे घात को ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अपरिभाषित। क्या लिखोगे बेटा? अपरिभाषित। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सभी को समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक एंड करते हैं ना। अब क्या लिखा है? साइन बी साइन साड़ी साइन शार्ट और साइन सी। बेटा बहुत ही पॉपुलर क्या है सवाल है, और साइन भी होता है कोस भी होती है, साइन थीटा साइन शार्ट माइनस का थीटा और साइन प्लस का थीटा। अब इन सभी का जो रिजल्ट होता है सेम ही साइन में और सेम ही कोस में, तीनों दोनों का रिजल्ट क्या होता है बेटा? सर जो थीटा है, थीटा में सबसे छोटा वाला एंगल 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4। अगर 10 में पूछे तो 4 डिवाइड मत देना। बात करते हैं सर जी सबसे छोटा वाला एंगल कौन सा है? सर जी 20 है, तो 20 को करो किससे मल्टीप्लाई? सर 3 से, और डिवाइड करना 4 का, तो वो किस किस का है सर? वो इसमें ये आ गया और ये आ गया। बेटा साइन चार का मान क्या होता है सर? √3/2। बाबू यहाँ पे कितना गया? 60 हो गया, और 60 का मान कितना होता है सर? √3/2 और 4 डिवाइड में तो कितना गया? 8 हो गया ना। ऊपर कितना है सर? √3/2। इसको सोल्व करो तो कितना आएगा? 3/16 आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। साइन इनवर्स माइनस का √3/2 का मुख्य मान। बाबू अगर साइन इनवर्स में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, और ये किसका मान होता है साइन में? सर साइन चार्ट का होता है π/3 का मान होता है। ये आपस में कट जाएंगे, इसका जो आंसर आएगा π/3 आएगा। सर आपस में ये तभी कटेंगे जब उसकी रेंज में, रेंज कितनी होती है? माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। सर इसका जो मान होता है वो कितना होता है बाबू? सर इसका जो मान होता है जो कुछ भी लिखा हुआ है और बराबर में, वो बराबर वाला तो होता है पावर, और इसको लिख दे ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं। ये आधार ऐसा कैसा? ये आधार है, ये पावर है, तो आधार ये पावर बराबर में मान। बेटा इस 27 को क्या लिखूंगा? 3 की पावर 3 लिखूंगा। यहाँ पे कितना आएगा? 3/2। कितना आएगा? 2/3 है। अच्छा 2/3 है बेटा, 2/3 है, और सर जी 2/3 है बराबर में कितना? एक्स है। पावर से पावर घटी तो कितना गया सर? 3 की पावर 2 बराबर में एक्स, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। ये आपका राइट आंसर। बात करते हैं त्रिभुज एबीसी में ए भुजा दे रखी है, बी भुजा दे रखी है, साइन ए। बेटा आपको एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, तो बेटा अगर एक भुजा देते हैं और एक ना देते हैं और साइन वाला पूछे नहीं मान, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए भुजा यहाँ पे और साइन बी। सर हमें क्या पूछा है?
हमें ये वाला मान पूछा है, ये वाला मान पूछा ना, और बाकी तीन दे रखे हैं। बेटा इसका जो मान है वो कितना है? सर जी ए का जो मान है वो तीन दे रखा है। साइन ए का मान कितना रहेगा? तीन बटा चार, तीन ऐसा कैसा ये ऊपर चला जाएगा, चार जाएगा बराबर में कितना। बी का जो मान है वो सर जी चार है, ये आ जाएगा साइन बी आ जाएगा, बी का मान चार से चार कट गया, इस वाले से ये कट गया, तो इसका जो मान आया वो कितना आया? एक आया। और साइन कितना होता है? सर नब्बे होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एज योर चॉइस, आपके आंसर ये तो ये हो सकता है या फिर ऑप्शन में ये भी हो सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक जीपी तरह की गुणोत्तर श्रेणी तरह की, इसका सातवां पद याद करना है। बेटा सातवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? सर जी ए आर, जितना पद पूछे उससे एक कम है। अब उसके लिए ए चाहिए आर चाहिए। ए का मान कितना रखा है? सर जी तीन रखा है। आर का मान कितना रखा है? दो दो रखा है। इसकी पावर कितनी? छह है सर। तीन ऐसा ऐसा और दो की पावर छह का मतलब होता है 64। करके देख लेना अगर बताए तो कोई दिक्कत नहीं। 12 मल्टीप्लाई किया तो बचा कितना? एक, और यह 192। आई होप शायद ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर दिया, चलते क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत 11 से नहीं बेटा, इसको नीचे से करते हैं, नीचे से करते हैं। यदि इस ये आपको आगे रखा है, आगे रखा है, तो x y का मान बताना है। तो बेटा इसका संगत कोण इसके ऊपर मान, इसके संगत मान के बराबर तो कितना गया सर? x प्लस a के बराबर कितना गया? 8 हो गया। तो x का जो मान है वो सर कितना गया? 7 हो गया। बेटा y का मान निकालना है, तो इसका जो संगत है अव्यय, वो संगत अव्यय कितना है सर जी? 5 है। कितना है बेटा? 5 है। और वो अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा? 5 माइनस का 2, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा बेटा? 3 आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी। बेटा कहने का मतलब इसमें टोटल आया कितने हैं सर जी? 101 है। 101 को बेटा पहले ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं, 50 51 पहले वैसे बड़ा वाला होना चाहिए, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे सर 51 और यहाँ पे हो गए 50। बाबू ये वाला प्लस का होता है, ये वाला प्लस का होता है, ये वाला प्लस का होता है, ये वाला माइनस, जब माइनस हो तो लास्ट वाला माइनस का। तो बेटा इस वाले पहले को इस वाले पहले के साथ ऐड करते हैं, और इस वाले दूसरे को इस वाले दूसरे से क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो बेटा इनको आपस में ऐड करो तो कितना जगह है? ऐसे नहीं 102 मत बोल देना, 51 होंगे ठीक है बेटा, क्योंकि ये वाले एलिमेंट सेम होते हैं। इसके लिए इसका जो आंसर हो कितना गया? 51 आ गया। ये वाले सर ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गए? कट गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। किसी पार्टी में 13 व्यक्ति प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, क्या बेटा हाथ मिलाते हैं, तो कितने हैंडशेक हो गए? बेटा अगर आपके पास एन हाथ है तो उनका से हैंडशेक करने का तरीका क्या होता है सर? एन सी टू। तो बेटा कितना है? 30 व्यक्ति हैं और 30 व्यक्ति दो हाथ होते हैं, तो दो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 30/29 और डिवाइड बाय कितना? 2। इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं केक और धनात्मक मान क्या होगा जिसके जिससे कि समीकरण के मूल क्या हो समान। बाबू अगर मूल समान हो तो डी का मान क्या होता है? 0 होता है। और डी का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। और बेटा बी का जो मान है वो कितना है सर जी? के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 ऐसा कैसा। ए का मान कितना है? ए का मान सर जी 1 है। और सी का जो मान है बेटा वो कितना है सर जी? 4 है बराबर कितना? 0। तो के स्क्वायर बराबर कितना है? 16 आया। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस का 4। लेकिन आपको लेना कौन सा है? के का मान सर जी हमें पॉजिटिव लेना, तो प्लस का 4 आपका आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बेटा आपके पास एक संबंध होता है, मैंने कल लास्ट वाली वीडियो जो पार्ट नंबर अपना 4 था, 3 था जो भी था, लास्ट वीडियो 4 था, उसमें इसका बताया था कि इसका जो मान होता है घनों का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे सर जी? माइनस ओमेगा का स्क्वायर और पावर कितनी? 3। यहाँ पे ऐसा कैसा, इसको क्या लिखेंगे? माइनस का ओमेगा, उसकी पावर कितनी? 3। सर जी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस ओमेगा पावर 6 और कितनी हो जाएगी? नेगेटिव का, नेगेटिव है यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे तो सर जी ओमेगा की पावर कितनी आएगी? 3 आएगी, लेकिन वो कैसे आएगी? माइनस आएगी सर। माइनस ओमेगा की पावर 6 है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस की पावर 3। बेटा इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो अपना जो राइट आंसर है वो कितना जाएगा सर जी? 0 जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ में, चलते क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। तो क्या कहा था मैंने लास्ट वीडियो में सर? एक्स का कोएफिशिएंट करो आधा, अगर प्लस का है तो कर दो माइनस। सर वाई का कोएफिशिएंट करो आधा, अगर प्लस का है तो कर दो माइनस। ये क्या गया इसका केंद्र आ गया। बात करते हैं इससे लिमिट एस टेंड टू, इतना दे रखा है बाबू, करना कुछ नहीं है। 0 लिमिट दे रखी है, टेन हो साइन हो या फिर कोस हो, तो जो एंगल दे रखा है ना वो ही नीचे बना दो। तो सर इससे 8x डिवाइड करना पड़ेगा, 8x क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड में कितना है सर जी?
सर साइन 2x है तो बेटा 2x का डिवाइड 2x का मल्टीप्लाई, इसका मान एक हो गया, इसका मान एक हो गया, कितना हुआ सर 8x बटा 2 हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो कितना जाएगा 4। आपको टाइम याद रखना है 8 मिनटों का बाकी है तो 4 वही आपका गया आंसर। सर इसका इसका प्रतिसमय रखें और अवकलन करना है बेटा, पहले इसका करो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, dx थीटा कितना बेटा सर a और cos का किया तो माइनस का sin थीटा, बाबू अगर y का किया तो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो अपना जो आंसर आके आएगा सर जी a और यहां पे आएगा cos थीटा, तो बेटा इसको आपस में डिवाइड करोगे y अपॉन x करोगे तो क्या जाएगा a cos थीटा और डिवाइड में कितना है a sin थीटा, वो भी किसका नेगेटिव का, तो सॉल्व करो कितना आएगा माइनस का cot थीटा, ये आपका जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की बेटा, इसका समाधान करना है तो सर करते क्या है बेटा, इसको लिखेंगे 2 अगर ऊपर माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे साइन, अगर प्लस है तो क्या लिखेंगे cos, तो सर ये क्या हो जाएगा कट पिट के सर जी tan स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर dx, और tan स्क्वायर क्या लिखेंगे सर जी sec स्क्वायर माइनस का 1, इसका करना है पूरे का समाकलन है, और sec स्क्वायर का क्या होता है सर जी tan x होता है और माइनस का 1 का हो गया x हो गया, ये आपका हो गया कांस्टेंट। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 तक समझ में आए होंगे, चलेंगे अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट की और वो होने जाएगा कल आएगा कल, ठीक है, जय हिंद वंदे मातरम।